इंडिपेंडेंस के पहले कोलकाता यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। कोलकाता में बहुत पोर्ट्स है और इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत इजी होता था। पर वक्त के साथ साथ जो ऐसा बिजनेस होता था वैसा बिजनेस आज यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब मैं कॉलेज के आखिरी साल में यूएस पढ़ने गया स्कॉलरशिप लेके, मेरा पूरा विजन चेंज हो गया। जहाँ पे टर्म्स लाइक स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, डिग्निटी ऑफ लेबर सुनने को आया, जो आज के पहले कभी सुना ही नहीं था। मैं ये माइंडसेट बदलना चाहता हूँ कि सिक्योर जॉब के सिवा भी सक्सेसफुल होने का बहुत सारे रास्ते हैं और बिजनेस उसमें से बहुत एक इम्पोर्टेंट रास्ता है। बंगालीज ने हर सेक्टर पे कंट्रीब्यूट किया है, वो आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि बंगाल एंटरप्रेन्योरशिप में भी कंट्रीब्यूट करे और यहाँ से रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। हेलो शख्स, मैं शायन चक्रवर्ती हूँ, मैं 25 साल का हूँ और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बंगाल में आज अगर किसी ने नौकरी स्टार्ट किया तो उसके घर पे आज ढेर सारा मिठाई जाएंगे। लेकिन आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके मम्मी डैडी बताते हैं माथा खराब हो गया छे, मतलब दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा। बंगाल के साथ ये बिजनेस का रिलेशन को रीडिफाइन करने का हिम्मत मैंने दिखाया है। शख्स, इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स आज भी कोई हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके सबसे पहले ख्याल ये आता है कि बजट क्रॉस कर गया होगा, मंथ एंड है तो फिर चलो घर पे जाके खा लेते हैं। लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है, घर पे रेस्टोरेंट जैसा खाना कहाँ। इसी मिडिल क्लास इंडियन का प्रॉब्लम सॉल्व करने और डाइनिंग एक्सपीरियंस को एकदम एनहांस करने हम लाए हैं इंडिया का पहला BSR, बजट स्मार्ट रेस्टोरेंट चेन, WTF। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब है वेयर्स द फूड। WTF एक ऐसा कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट चेन है जो आज कोलकाता में चार जगह उपस्थित है और एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका मेनू कार्ड का 75% फूड बजटेड है एक ही बजट में। और उसी बजट में वी टेंड टू गिव यू फूड, हॉस्पिटैलिटी, क्रॉकरी, कटलरी, एम्बियंस, विच इज एट पार टू एनी गुड रेस्टोरेंट। और इसलिए हम लोग का कैप्शन है मध्यवित्तेर 5 स्टार, मतलब द 5 स्टार्स ऑफ द मिडिल क्लास। और हम यहाँ पर भी नहीं रुके सर, अभी हम हमारे किचन से आप सबके घर के किचन में आने वाले हैं, पूरा इंडिया का किचन में आने वाले हैं। हम ला रहे ऐसा एक सीक्रेट सॉस जो शायद रेडी टू कुक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दे। शख्स, हियर वी सीक 75 लाख्स फॉर 5% ऑफ इक्विटी इन आर कंपनी। एंड सर, मैं ऐसा समझता हूँ आपको जरूर इस स्केलेबल रेस्टोरेंट चेन और इस सीक्रेट सॉस के साथ जुड़ना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई अफसोस ना रहे। शायन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर, क्या जोश भरी प्रेजेंटेशन दी, मजा आ गया भाई को। थैंक यू सर। कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपने क्या पढ़ाई करी, किस तरीके से बिजनेस के बारे में सोचा, कहा नहीं गया। सर, ये ब्रांड हम 3 दोस्त में मिलके स्टार्ट किया था कॉलेज के पीछे। कॉलेज के पीछे मतलब कोई जगह देती थी कॉलेज के पीछे? लास्ट बेंच में। अच्छा, लास्ट बेंच में स्टार्ट किया था, छोटा सा एक किचन में, घर का ही किचन से स्टार्ट किया सैंडविच डिलीवरी का बिजनेस। जहाँ पे एक ऐसा भी टाइम आया कि एग्जाम के वर्कशीट हाथ में है, पढ़ रहा हूँ और एक साथ ड्रिलिंग भी कर रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऑर्डर मिलने लगे क्योंकि सर मुझे पता था हम लोग के पास एज अ स्टार्टअप कैक नहीं होते, कैश होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। क्योंकि सर बजट तो होता नहीं लेकिन धंधा करना है, बिजनेस करना है। वी नेम द कंपनी सब फूड राइट, वो सब सब नाम दे रहे थे। हम लोग बोला ऐसा एक नाम देंगे, कोस बताने में सबको शर्म आए पर बताएंगे जरूर। और पहला पैकेज हमने कोट किया 69 रुपीज, सो WTF एट 69। ओह माय गॉड, एंड दैट वेंट मैसिवली वायरल इन कलकत्ता। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत दूर की सोच है। थैंक यू सर। ये आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है? इसका मतलब है बंगाली व्यवसाय कोड़बे, मतलब बंगाल विल डू बिजनेस। सुपर्ब, अमेजिंग। और मैंने एक किताब लिखा जो मिस्टर रतन टाटा सर ने भी रिगार्ड किया और मेल लिखा मुझे पर्सनली आफ्टर रीडिंग माय बुक। तो उसका कैप्शन है बंगाली व्यवसाय कोड़बे। वाह वाह वाह।
आपने बताया था दो मित्र भी थे आपके लास्ट बेंच पे, कहाँ है वो आई क्यों नहीं साथ में? दोनों में से एक नौकरी करने चला गया, एक हायर स्टडीज करने चला गया। उन लोगों को लगा नहीं था कि हम सैंडविच मेकर से ज्यादा कभी बढ़ पाएंगे। यही तो हम सब में और बाकी सब में फर्क है सर। वी सी 2022 बैक इन 2018 और आज अगर हम खड़े 2026 को देख पाए, यही तो बाकी सब में और एंटरप्रेन्योर्स में फर्क है। क्योंकि सर जो वैल्यूएशन हो रहा है वो तो आज के दिन पे नहीं हो रहा है, इट इज व्हाट द कंपनी इज अबाउट टू बी। इफ देयर आर ओनली फॉर्च्यून टेलर्स इन दिस कंट्री, दीज आर एंटरप्रेन्योर्स। सर मैं टिका रहा क्योंकि मैं विजन देख पाया 2016 में बैठ के कि आज करेंगे कुछ, टाइम लगेगा और करेंगे। कर रहा है सर, आ गया। काफी इंटेलिजेंट बातें करते हैं आप, वेरी वेरी शार्प। सायन आपका रेस्टोरेंट से कुछ लाए हो हमारे लिए? सर डेफिनेटली लाए हैं, दिखाओ। यार ये सब काम में देरी नहीं करनी चाहिए शायन भाई। सो दिस इज द सॉस मेनू। आपका चाइनीज फूड रेस्टोरेंट बिजनेस है? यस, एशियन फूड। नॉनवेज कौन कौन है थोड़ा बता दीजिएगा? मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेज, स्ट्रिक्टली वेज। तीन वेज हैं और तीन दो नॉन वेज। नॉन वेज ये आपने जो आपकी सॉस है वो डाली है? हाँ सर। खुशबू तो बहुत बढ़िया है सर। सब कोई, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है। आई वांट टू बी इंडियाज बेस्ट सेल्समैन। वो तो ऑलरेडी हो यार, वो है, लग रहा है मुझे तो हो गया। आपको देख के लग रहा है। मैं कुछ भी बेच सकता हूँ और मैं कुछ भी बेचना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सेल। अच्छा, दिस इज चिली ओरिएंटल पनीर, ऑथेंटिक चाइनीज फ्लेवर। आप इसमें पनीर की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। आप पानी में वेजिटेबल डाल के सूप बना सकते हैं। अब मैगी में डाल सकते हैं, नूडल्स में डाल सकते हैं। शान, शान, यार तुमसे एक सवाल पूछो, तुम इतनी बात करते हो, बदन में एकदम झुंझुनी छुट जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है क्या? एक साल का इंतजार है सर। टेस्ट तो बहुत बढ़िया आ रहा है देखो, पर ये जो सॉस डाली आपने उसका टेस्ट है। हाँ, अगर कुछ भी ऑर्डर आए, द शेफ डजंट हैव टू डू एनीथिंग, सिर्फ सॉस ऐड करो, वो करो। सॉस इज द सीक्रेट रेसिपी। सॉस इज द सीक्रेट, क्योंकि हम लोग को टेस्ट सेम रखना था ऑल आउटलेट्स पे। सो दिस सॉस गोज अक्रॉस ऑल आउटलेट्स। चिकन में क्या बना रहे हो आप? सर चिकन में आप बोलो क्या खाना है आपको। चिकन शेजवान बना दो। ठीक है, ठीक है सर। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कोविड के बाद तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सबको रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं था और हम लोग को एक्सपेंस कम करना था। सो व्हाट वी इंट्रोड्यूस इज कैंडल लाइट डिनर एट 149, क्योंकि सब लाइट्स ऑफ कर दिया, कैंडल लेके आ गया, सेल्स 2x हो गया सर। वेल डन भाई। रोमांटिक कॉस्ट कटिंग। एक रेस्टोरेंट बनाने में कितना खर्चा आता है, केपेक्स कितना लगता है? WTF का? हाँ, 4 to 5 lakhs। 5 lakh में बन जाता है? 5 lakh भी बहुत है, including branding. तो आराम से लॉन्च हो जाएगा। चार ही सॉस है आपके पास? चार ही है। We are bringing one jan sauce, no onion, no garlic. How is it? मुझे तो नॉर्मल लगा। नॉर्मल ही है सर, पर अच्छा है। शान ये एक बात बताओ, मैं एक बात नहीं समझ पाया। हाँ। आपका exactly model क्या है? क्योंकि आपने कहा restaurant, एक प्रश्न समझ। आपने कहा रेस्टोरेंट का बिजनेस है आपका, और आपने साथ में अपने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा 75% आपका खाना एक स्टैंडर्ड प्राइस पे है और 25% शायद करेक्ट, कुछ अलग है। करेक्ट। तो ये मॉडल जरा समझाइए। सर आप जो यहाँ पे मेनू कार्ड देख रहे हो, हाँ जी, इस मेनू कार्ड में 75% मेनू ऑल इज 149। ऑल इज 149। आप चिकन उठाओ, नूडल्स उठाओ, पनीर उठाओ, राइस उठाओ, सब 149 है। उसके ऊपर हम जाते हैं 199 फॉर फिश। Every fish dish is 199. उसके ऊपर हम जाते हैं prawn. Every prawn dish is 249. So आपको already पता है आप कितना खर्चने वाले हो। Low pricing, standardized pricing, confusion गया। हाँ। अभी बात समझाइए format की। कितने सीटर की रेस्टोरेंट है? Correct. और भाड़ा महीने का एवरेज कितना Correct. लगता है? सर वी पे एन एवरेज रेंट ऑफ 30 to 32,000, जहाँ पे 18 टू 20 सीटर का रेस्टोरेंट होता है। 18 to 20 सीटर। हाँ। सेल का कितना परसेंटेज होता है? वी डू अ एवरेज सेल ऑफ अराउंड 5 to 5.5 lakhs ईच आउटलेट। 30,000, तो हार्डली 7-8% आपका रेंटल है, नॉट बैड। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या है? इज अराउंड 30%, मतलब 1.5 lakh का नेट प्रॉफिट है। 1.5 lakh का नेट प्रॉफिट। हाँ। देखो लगभग आप दिन के 100 कस्टमर सर्व कर रहे होंगे, क्योंकि 150 रुपए आपका ATV है, एवरेज टिकट साइज। करेक्ट। तो 100 कस्टमर आप सर्व कर रहे हैं, पर आपको नहीं लग रहा है कि 100 कस्टमर कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है एक बहुत ही पॉपुलर फूड आउटलेट के लिए? तो अगर आपको महीने का 1 crore का EBITDA कमाना होगा, तो उसके लिए आपके हिसाब से आपको कितना आउटलेट खोलना पड़ेगा? सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। नहीं पहले ये बताइए जो मैंने पूछा है। 1 crore का EBITDA का सर, ये तो ये ग्रोथ जो होने वाला है अभी, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि बैम्बू का अंडर ग्रोथ हो चुका है, अभी बाहर निकलने का टाइम है।
भाई 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 वो सवाल का जवाब दो ना यार, हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सर 10-12 12-15 हो जाएगा। 12-15 में तुम्हारा 1 करोड़, क्योंकि सर वी आर गेटिंग बैक टू न्यू नॉर्मल अगेन, प्री कोविड नंबर्स में हम वापस आ रहे हैं। इस साल हम 2 करोड़ में क्लोज करेंगे सर। सुनो 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 शंश। हाँ सर। आपका शायन नाम है ना? करेक्ट। वो जो एस एच है ना शुरू का, इसपे उस पर ध्यान दो जरा। अभी 1 करोड़ इबिटा के लिए 1 लाख के हिसाब से 10-15 में कैसे होगा? 100 रेस्टोरेंट चाहिए। 100 तो 10-15 कैसे बता दिया आपने भाई? तो मैंने थोड़ा सा इसमें डिसीजन बना लिया है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। ये मॉडल प्रूवन है अभी इंडिया में। वाओ मोमो एक मॉडल है जिसको अच्छा अभी फंडिंग वगैरह भी मिला है, काफी अच्छा स्केल कर रहा है। वाओ चाइना इज सेम कंपनी। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि इसके अंदर जो स्केलेबिलिटी के लिए अभी ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, इसलिए मैं इससे आज बाहर हूं। बट अदरवाइज आई रियली एंजॉयड योर फूड। मैं पीयूष से 100% अग्री करूंगी, क्योंकि मैंने वाओ चाइना में खाया हुआ है। करेक्ट। एंड मुझे टेस्ट काफी सिमिलर लगा। Correct. और जब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, दो ही चीजों के लिए जगह होती है, या तो एक बिग ब्रांड लाइक वाओ चाइना, या तो फिर जिन्हें चीपर ऑप्शन चाहिए वो बहुत स्ट्रीट फूड। करेक्ट। चाइनीज स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है। Correct. या फूड ट्रक्स जो बोलते हैं। Correct. तो आई थिंक इसमें एक ब्रांड बनाना एंड स्केल करना बहुत मुश्किल होगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट, बट आई एम आउट। थैंक यू बाबा। आपकी जो सेल है उसमें कितना होम डिलीवरी और कितना रेस्टोरेंट सेल है? सर ये 80% रेस्टोरेंट है, 20% डिलीवरी। होम ऑर्डर बहुत कम दिख रहे हैं, 20%। आपने बोला कि मेरे पास जो आउटलेट है उनमें 20 सीट होती है जितना मैं समझ पाया। हाँ। और दिन की केवल 50-60 लोग आते हैं जितना। हाँ। आप, क्योंकि मैंने 80% कर दिया। हाँ। क्योंकि 20% तो होम डिलीवरी। हाँ। है। अब एक बंदा कितनी देर बैठता है रफली? हाफ एन आवर 45 मिनट्स, क्योंकि इतनी जल्दी बनता है तो आधे घंटे। हाँ, होना चाहिए। हाँ। तो आप प्रैक्टिकली अपनी 20 सीट को आप केवल 1.5 घंटे यूटिलाइज कर पा रहे हो, तो ब्रांड लॉयल्टी कैसे हुई? तो आपका ऑक्यूपेंसी लेवल मेरे को काफी कम लग रहा है, और आप ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग बोल रहे हो, तो मैं दोनों चीजें क्या मैच नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं था सर आज तक, कुछ जो भी किया खुद किया। अभी एक दिमाग आएगा तो सर डेफिनेटली कुछ करेंगे साथ। एक्चुअली क्या करते हो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ आप ए पूछता हूँ बी पे चले जाते हो, बी कोई बी वैसे उसी पे रुकते हैं ना थोड़ा सा। एक सेकंड अमित, इफ यू डोंट माइंड। जनरली स्पीकिंग रेस्टोरेंट्स में इसको टेबल टर्न्स बोलते हैं। करेक्ट। और रेस्टोरेंट्स विच आर ओनली फॉर लंच एंड डिनर, बहुत अच्छा अगर रेस्टोरेंट करता है 3-3 टेबल टर्न्स कर सकते हैं लंच में और डिनर में, तो टोटल 6 टेबल टर्न्स। Okay. आपका ऑल डे रेस्टोरेंट है, मेरे को नहीं लगता है सिर्फ लंच और डिनर है, क्या ये बात सही है? हाँ, ऑल डे रेस्टोरेंट, लेकिन सर वो ब्लैक आवर्स है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी 7-8 टेबल टर्न्स होने चाहिए इफ यू आर किलिंग इट पर डे। करेक्ट। तब ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी कि आप बहुत जल्दी सोच रहे हो कि बहुत कुछ हो चुका है। सर अभी सॉस भी आने वाला है D2C में। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि मैं शायद आपको कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको जो बताऊंगा आप सुनने का लिसनिंग ईयर चाहिए होता है एक एंटरप्रेन्योर को, वो थोड़ा मेरे को मिसिंग लग रहा है। शार्क का फायदा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि छोटे से पैसों से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको। इस समय मैं आउट होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कीप योर स्पिरिट अप। थैंक यू सर। शायन भाई, यू सेड 2 of your co-founders लेफ्ट। या ठीक है, अभी शायन अकेला है कि और भी कोई साथ में? काफी है सर अकेला। हाँ। वो तो छोड़ गया, तब आउटलेट भी नहीं था, सैंडविच मेकर में ही छोड़ के चला गया, आउटलेट बनाया ना। यार सबने कह ही दिया, आप मार्केटिंग में जोरदार बंदे हो और सेल्स में भी लग ही रहा है, लेकिन वही आपकी वीकनेस भी। आप ये सोचते हो कि हर बात को आप मार्केटिंग में डुबा सकते हो, के साथ बैठ के धंधा कैसे बनाए मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक भी बात शुरू होती है आप 3 ऐसी बात ला देते हो उसमें कि आगे आदमी जा ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं भी आज आउट होना चाहूँगा, और एक बात कहूँगा, अगर आप ऐसे ही रहे तो शायन वापशो कर बे, लेकिन बड़ा वापशो नहीं। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। मैं आपका ना पिच स्टार्टिंग से लेकर जाता हूँ। देखो आपकी एनर्जी अच्छी थी, नो डाउट ऑन दैट, बट ओवर एनर्जी इज ऑल्सो नॉट गुड। आई कीप दिस इन माइंड सर। सेकेंड, आपने बोला कोलकाता में एंटरप्रेन्योरशिप की फाइट है, जो मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को तो लगता है कि जैसे छक दे मूवी में होता है ना, हम सब इंडिया से हैं, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कौन सी सिटी की इन्वेस्टमेंट करी है। मैं हर सिटी को एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। थर्ड, मुझे लगा कि आप बिल्कुल नहीं सुनते।
डिबेट करना अच्छी बात होती है, सेल्समैन अच्छी बात होती है, बट ओवर सेल्स समटाइम्स किल्स. मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर ना आजकल ना as soon as he becomes an entrepreneur, उसको लगता है वो स्टार बन गया, और जब उसे फंडिंग मिल जाती है ना तो उसे लगता है वो भगवान बन गया कि मुझे सब आता है. अपने आप को प्रमोशन करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रमोशन करना और अपने आप को प्रमोट करके दिखाना कि मैं भगवान हूँ, वो देखा वो अपुनीश भगवान है, वो किलर एटीट्यूड है, और उससे ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे निकलना बहुत जरूरी है. मेरे को आपकी पिच में एक्सेप्ट आपका फूड जो अच्छा है, मुझे आपकी पिच में कुछ अच्छा नहीं लगा. तो प्लीज इफ यू कैन टेक द फीडबैक पॉजिटिवली एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी विल बी प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सर. कैन आई रिक्वेस्ट वन थिंग? हां जी. कैन वी डू द नंबर्स अगेन? बिकॉज सर मैं नहीं नहीं भाई अभी आउट हो गए. इसका फॉर्मेट ये है, अगले टाइम मिलेंगे तो बातचीत होगी. थैंक यू सर. बेस्ट ऑफ लक शायन. बेस्ट ऑफ लक. आप डिसहार्टन मत होइए. नहीं सर. आपका खाना बहुत बढ़िया था. थैंक यू सर. भाई जितने जोश से आए ना उतने जोश से जाओ. Thank उतने जोश से जाओ, कूद के जाओ भाई. थैंक यू सर. डिस्कस करेंगे दो प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस एक टीनेजर्स की. ब्रो मेरे रील्स पे व्यूज कितने बढ़ गए. तेरी ब्लॉग भी हिट हो गई है. लेकिन अब कुछ और करना है, कुछ स्किल्स को यूज करके, कुछ करियर के लिए. काश कोई मुझे रियल कंपनी से मिला पाता. टाइम पास नहीं, टाइम यूज करना है. दैट वुड बी सो कूल. और दूसरी कंपनीज की. यार मैं परेशान हो गया हूँ बोरिंग आइडियाज सुन सुन के, वही पुराना तरीका सोचने का. मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेश आइडियाज लेके आए. पता नहीं कहाँ मिलेंगे मेरे को ऐसे लोग. इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे टीनेजर्स हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करना चाहते हैं, और 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो राइट टैलेंट ढूंढ रही है अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए. ये सब सॉल्व करेगा पनग्रो. हेलो शार्क, मैं हूँ पायल जैन. मैं हूँ अनिक. और मैं हूँ रिया. एंड हम हैं मुंबई से. पनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, और वो भी उनके स्किल्स के ऊपर. हम उनके स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स देते हैं रियल कंपनीज से, और जब वो ये प्रोजेक्ट्स करते हैं ना केवल वो अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, साथ में वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं. और ये पैसा आता है उनके खुद के पनग्रो कार्ड में जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं. इसके साथ वो मनी मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ मनी जान रहे हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब होता है पैरेंटल अप्रूवल के साथ. लगभग 1 साल पहले हमने पनग्रो शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी को माइंड में रख के, एंड 4 महीने पहले हमने अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू करी. हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 40,000 से भी ज़्यादा यूजर्स हैं एंड 170 कंपनी से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए. हमारा विजन है कि इंडिया का हर टीनेजर अपने कैरियर को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि जब वो 21 साल का होगा और अपने कैरियर की शुरुआत करेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा, कन्फ्यूज नहीं. एंड हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी. तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया में नए टीन लेंसर्स लेके आने के लिए? पायल, अनिक एंड विया, वेलकम टू शार्क टैंक. थैंक यू. आप तीनों रिलेटेड हैं? आप हस्बैंड वाइफ डॉटर. कंपनी में आपसे कहीं मिला हूं पहले? आप मेरे से मिले हैं. मेरी प्रीवियस कंपनी सिमो और लेंसकार्ट साथ में काम करते हैं. मेरी उस कंपनी में को-फाउंडर था, वहां अपन मिले हुए हैं ऑलरेडी. और वो कंपनी अब मैं छोड़ चुका हूं. मैं 15 अगस्त के बाद से फुल टाइम फनग्रो में हूं. तो पायल, आपका आइडिया था ये? हाँ जी, मैं शुरू से ही बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी. मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड विया वॉज माई इंस्पिरेशन. तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना ही है. मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी से शुरुआत करी. नवंबर 21 में हमारा कार्ड लॉन्च हुआ. एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय टीन्स हु वर कमिंग, तो 14 साल के बच्चों का क्लियर आस्क था कि आप हमें अर्निंग बताओ. हम असली पैसा कमाना चाहते हैं और हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं. उसको स्टडी करके जो दूसरी कंपनीज थी उनकी भी प्रॉब्लम्स को जाना कि क्या हो रहा है. देन फेब के बाद मार्च में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस एंड देन आई आस्क्ड अनिक टू जॉइन मी.
You know, हम लोग भी interns वगैरह बहुत रखते हैं स्कूल से, बट ये टीनेजर से काम कराना लीगल तो नहीं है. आप इंटर्नशिप रख सकते हो, आप उनको 18 से पहले जॉब भी नहीं दे सकते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते. तो इसको कैसे आप लोग नेविगेट करते हो? लीगली एनीबडी अबव 14 कैन वर्क. देयर आर टू एक्ट्स अराउंड इट, व्हिच इज द चाइल्ड लेबर एक्ट एंड द अप्रेंटिसशिप एक्ट. अप्रेंटिसशिप 1961 स्पेसिफिकली सेज दैट यू कैन वर्क. अब इसके अंदर क्या होता है, तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है हमको, कि एज प्रूफ हमको चाहिए होता है कि वो 14 से ऊपर है. 14 के नीचे कोई काम नहीं कर सकता, वो लॉ है हमारे यहाँ. सेकेंड, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो हैजार्डस एनवायरनमेंट में है, माइनिंग में है या केमिकल्स में है, वैसा बेसिकली पॉइंट है. ये लीगली कर सकते हैं? हाँ जी, लीगली एब्सोल्युटली कर सकते हैं. तो आप प्रोडक्ट समझा दो अपना और डेमो भी दे दो. हाँ जी, तो ये हमारा लॉगिन पेज है. हमारे इसमें पेरेंट और टीनेजर दोनों लॉगिन कर सकते हैं. यहाँ पे बच्चा आएगा, उसकी डिटेल ऑलरेडी कैप्चर्ड है, वहाँ अपनी स्किल्स सेलेक्ट करेगा. ये स्किल्स होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, ऐप टेस्टिंग, रिसर्च. एंड यहाँ पे नीचे हमने एक पैरेंटल अप्रूवल भी दे रखा है जिसको उसे चेक करना है. जैसे ही वो चेक करेगा, पेरेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी. तो जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट डालती है, उनको मैंडेटरी है कि वो बताए प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है, कितने रुपए का है और कितने दिन में आप चाहते हैं उसे कंप्लीट करना. ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता है कि नहीं चाहता है. जैसे ही वो सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट कंपनी को जाती है. अगर कंपनी ने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, वो बच्चों के लाइव असाइनमेंट्स में आ जाता है. एंड देन वंस यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, कंपनी अप्रूव्स इट, योर मनी विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर. यहाँ से आप कार्ड के उस पे जाते हैं. अगर आपने कार्ड ऑलरेडी बाय किया है तो आप एड मनी कर सकते हैं. ये कार्ड है फिनो पेमेंट बैंक का एंड रुपे नेटवर्क का. सबसे इम्पोर्टेंट, अब पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें. एज अ पेरेंट अगर आप लॉग इन करते हैं, अगर फोटो भी अपलोड करना है इस ऐप पे, तो हमने इंश्योर किया है कि वो पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ हो. अर्न मनी ऊपर नो है, दैट मीन्स आपका बच्चा उस पे काम नहीं कर सकता. वी हैव अप्रूवल एट ईच एंड एवरी प्लेस. अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड आप नहीं चाहते वो करे, तो आप केवल उस छोटे से पीरियड के लिए भी इसको डिसेबल कर सकते हैं. पायल, ये जो मॉडल आपने बनाया है और यूआई है, ये पूरा अपवर्क का कॉपी है. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कल को नॉन टीनेजर्स भी इस पे आ जाएंगे तो अपवर्क ही बन जाएगा. अपवर्क या फ्रीलांसर? हाँ, फ्रीलांसर जो भी है. इवेंचुअली आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, और इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं? दो मेजर डिफरेंस है. एक तो टीनेजर के हिसाब से सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है. हमारे केस में हमें हर प्रोजेक्ट अप्रूव करना पड़ता है, जिससे कि इंश्योर करें कि लैंग्वेज करेक्ट है, कंटेंट करेक्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं जा रही है टीनेजर को. नंबर दो, टीनेजर को एक हेल्प चाहिए शायद अपने गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि मेरे को अभी ये आता है, शायद ये का नहीं आता है, मुझे ये सीखना है. वो शायद बाकी प्लेटफॉर्म नहीं करते हैं. अगर फ्रीलांसर शिफ्ट होकर हमारा मॉडल लेता है, बहुत अच्छी बात है. हम अगर वो प्रूव कर चुके हैं उस स्केल पे दैट समबडी बिग इनफ इज वांटिंग टू शिफ्ट टू आवर मॉडल, दैट्स अ गुड सक्सेस ऑफ आवर मॉडल, मेबी टू पीपल विल फाइट द मॉडल. गिव अस एन आईडिया कि कौन से किस्म के, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स और स्किल्स मैचिंग सबसे पॉपुलर है आपके ऐप पर. तीन टाइप की कंपनी जो हमारे मेजरली आ रही है. एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सेकेंड ऐसी कोई भी कंपनी जो बच्चों से रिलेटेड है, एडटेक कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, ये आती हैं. तीसरा, बहुत सारी B2C कंपनीज आती हैं. टॉप काम जो होते हैं उनका, इंस्टाग्राम रिलेटेड एनीथिंग, रील क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन एक्सेट्रा. और कंपनीज रिसर्च सर्विस देती है, और कुछ कंपनी सेल्स रोल्स भी देती हैं. तो अलग अलग टाइप के रोल हमारे पास आते हैं. ये टीनेज ने बड़ी नाजुक उम्र होती है. टीनेजर्स को ये उम्र में रिजेक्शन को महसूस करना और अपनाना या तो एक लर्निंग हो सकती है, या तो काफ़ी रिस्की भी हो सकता है. तो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ है. हम मोस्टली इसे लर्निंग के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है, जब हम उससे प्रोफाइल बिल्ड करा रहे हैं, हम उसे समझा रहे हैं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे. क्या हम आज की डेट में इसका साइकोलॉजिकल इशू हैंडल कर सकते हैं? शायद हमारे लिए जल्दी है, बट जैसी ये कंपनी बड़ी होगी हम उसपे एंटर करेंगे. मुझे लग रहा है आपने ये शुरू किया फाइनेंशियल लिटरेसी कार्ड, और ये काफी कंपनीज ने शुरू किया US में भी और इंडिया में. और US में एक दो कंपनी काफी बड़ी हो गई, इंडिया में भी एक कंपनी ने काफी पैसे उठा लिए, उसके बाद दो तीन और लॉन्च हो गई, वो नहीं उठा पाए तब तक ये जो विंटर बोलते हैं डाउन पीरियड आ गया था. तो क्या आपका बिजनेस भी उसी दौर से गुजरा और फिर आपने देखा कि भाई इसको तो पिवट करना पड़ेगा हमको, और तब जाके आपको ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वाला रास्ता दिखा? जो पनग्रो में मेरा इनिशियल टेक था, तो हमने अर्निंग इनिशियली रखी थी, बट इट वाज इंसेंटिव बेस्ड बिहेवियर. जब मेरा पहला नहीं, अगर आपने किया तो कोई बात नहीं है, उसको ओन कर लीजिए आप, क्योंकि ये वाला जो बिजनेस है ना आपका, सिंपली फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कार्ड इश्यूएंस, देयर इज नो बिजनेस.
लेकिन ये पिवट जो आपने किया ये अच्छा, लेकिन पूरी तरह नहीं किया अभी तक, और उससे मैं थोड़ा मतलब सहमत नहीं हूँ। सेकेंडली, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आपके पास, हमने पूछा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स आपके पास रेवेन्यू कोई खास नहीं है। आप प्री रेवेन्यू कंपनी हो, 40 करोड़ वैल्यूएशन पे कोई सेंस नहीं बनता, इस वजह से मैं आउट हूँ, लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं तो गुड लक। आप अपने बिजनेस मॉडल और नंबर्स दोनों बता दो। बिजनेस मॉडल में हमारा अर्निंग साइड में हम जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका 10% हम बनाते हैं। कार्ड साइड बिजनेस शायद खत्म हो चुका है, हमारे लिए कार्ड साइड बिजनेस एड ऑन सर्विस है जो हमारे लिए आज के डेट में रेवेन्यू लेके आती है। आज के डेट में हमारा 2.5 लाख का महीने का एक्सपेंडिचर है और 1.5 लाख का रेवेन्यू हमको आ रहा है, जो मेजोरिटी जैसा आपने बोला कार्ड से आ रहा है। वो हमको हेल्प करता रहेगा वो बिजनेस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करने के लिए, वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। हमने आज तक 1 रुपए का ऑफर नहीं दिया है, हम बर्न वाले मॉडल पे बिलीव नहीं करते। तो आज के डेट में हमारे पास 40,000 लोग हैं, इसमें से 22,000 टीनेजर हैं, 18,000 पेरेंट्स हैं। इसमें हमारे पास 170 कंपनी आ चुकी हैं, जिनमें से हम उनके साथ में 90 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होती है रफली, एवरेज वैल्यू? एक प्रोजेक्ट की वैल्यू आज के डेट में 2,000 रुपए होती है। तो 170 कंपनी और इतने कम प्रोजेक्ट, 25 पर मंथ, तो कुछ कहीं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं, एक बार थोड़ा ठीक से समझाइए। अभी हमने पहले हम ये जितने प्रोजेक्ट आए हैं हम दो लोग मिलकर कंपनी दो लोग लेके आए हैं, हमारे पास कोई सेल्स टीम नहीं थी, वो सेल्स टीम अभी लास्ट महीने में आई है। लास्ट महीने में हमने 80 कंपनी ज्वाइन करी है। सेकंड, हमारा एवरेज टिकट साइज जो 1,000 था वो अब 2,000 हो गया है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है? हमने एक CCD रेज किया है 25 लाख का, कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है दिस इज अ हार्डकोर टेक बिजनेस, राइट? और उसमें ये कार्ड और एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं, बिकॉज कंपेटिटर जो है वो हाई टेक कंपनीज हैं। दिस रिक्वायर हार्डकोर टेक्नोलॉजीज। अभी जब तक वो नहीं है ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं, इसलिए मैं बाहर हूँ। मुझे इस कंट्री के यूथ में बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मैं उनको ना मोटिवेट करूंगा, मैं उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ वो लोग अभी लर्न करें, अभी अर्न ना करें, अर्निंग का लाइफ लॉन्ग पड़ी है। तो एथिकली मेरे आई एम नॉट विद दिस बिजनेस, सो दैट्स व्हाई आई एम आउट। यूजुअली मैं अमन से कभी डिसएग्री तो करती नहीं हूँ, पर ये पहली बार आई थिंक मैं इनसे कंप्लीटली ऑपोजिट सोचती हूँ। और आई थिंक आज के जो टीनेजर्स हैं दे आर रेडी फॉर दिस। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट मैं गवर्नमेंट से बहुत सारी मेरी बातचीत चली है कि हाउ कैन वी मेक एंटरप्रेन्योरशिप अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम। तो आई थिंक हमारे टीनेजर्स आर वेरी रेडी टू अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम। मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी तक बहुत ही अर्ली है। जो आपका पुराना आपने बनाया उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो ही है। मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि बच्चे का क्या कुछ नया एक्सपीरियंस लेता है, सीखता है, तो मेरे को कॉज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, मैं नमिता जी से एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। सो बिकॉज योर प्री रेवेन्यू, हमारा वैल्यूएशन तो बहुत ही कम होगा जो मांग रहे उससे, 2.5 crores वैल्यूएशन, 25 लाख एक्विटी एट 10% एंड 25 लाख डेट। हमने जो लास्ट CCD रेस किया वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन, ये लोअर कैप है उसका, लोअर मिनिमम। लोअर कैप उसका 12 करोड़ है, अपर कैप उसका 32 करोड़ है। हम लोग अगर 12 करोड़ पे जाते हैं तो ये हमारा लास्ट ऑफर होगा, आई विल बी कैंडिडेट। तो आपका रिवाइज्ड ऑफर क्या है अमित? रिवाइज्ड ऑफर इज 12 करोड़ वैल्यूएशन। पहले वाला डेट गया? हाँ जी डेट गया। अभी सारा इक्विटी है 4.16% एट 12 करोड़। कमाल है भाई, 30 सेकंड्स में आपने 5 गुना वैल्यूएशन कर लिया। मैंने आज तक नहीं देखा है। जल्दी डिसीजन दीजिए आप। नहीं, बहुत जल्दी डिसीजन है, ये डील डन है। डील डन। वंडरफुल। नहीं, पर हमें इन कॉज आई एम वेरी एक्साइटेड जुड़ना है। बहुत अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बाय वियो।
शार्क्स, क्या आपको पता है ये जो दूध का ग्लास आपके पास रखा है वो वाइट गोल्ड है। लोग आजकल अपनी हेल्थ और डाइट का खास ध्यान रखने लगे हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, और अगर है भी तो वो प्रोडक्ट्स उनको प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं कैमल मिल्क यानी ऊटनी का दूध, और गोट मिल्क यानी बकरी का दूध। इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कंपनी आद्विक फूड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। मेरा नाम श्रेय कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम हितेश राठी है और मैं नोखा बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। शार्क्स, अब आप ये सोच रहे होंगे हम बार बार इसे व्हाइट गोल्ड क्यों कह रहे हैं। रिसर्चों के अनुसार अगर मैं कैमल मिल्क की बात करता हूँ तो इसमें नॉर्मल मिल्क के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आयरन, 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, और ये ऑटिज्म, डायबिटीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में काफी हेल्पफुल होता है। गोट मिल्क डेंगू, डाइजेशन और बच्चों के लिए काफी असरदार माना गया है। हमने अपनी शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी। आज हमारे पास में कैमल और गोट मिल्क से बने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, घी, सोप्स इत्यादि। पिछले 6 साल में हमने 8 लाख लीटर से ज्यादा दूध और 3 लाख ऑर्डर प्रोसेस कर चुके हैं। एक और बात बताएं शार्क्स, जब हमने शुरुआत करी थी तो कैमल फार्मर्स और गोट फार्मर्स के पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन आज हम बहुत सारे फार्मर्स को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दे पा रहे हैं और कैमल्स की गिरती हुई पॉपुलेशन को भी बचा पाए। हमने एक ऐसी मार्केट क्रिएट करी जो इंडिया में पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी। हम इस स्पेशल प्रोडक्ट्स की मार्केट में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं और इन प्रोडक्ट्स के फायदे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। शार्क्स, इसके लिए हम आपसे 60 लाख रुपए की फंडिंग चाहते हैं अगेंस्ट 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। अगर हेल्थ है आपकी पिक तो साथ निभाएगा आद्विक। अरे वाह, क्या बात है। कितना वैल्यूएशन हो गया भाई? सर 40 करोड़। तो श्रेय, हितेश, आपका स्वागत है शार्क टैंक पे। प्रोडक्ट के बारे में बताइए, टेस्ट अलग है? यस मैम। कैसे? इसमें जो सॉल्ट्स की कंटेंट की हम बात करते हैं, मिनरल्स के कंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें हाई होता है, तो थोड़ा नमकीन है टेस्ट। गोट का कि कैमल का? कैमल का। हाँ, थोड़ा नमकीन है सॉल्ट कंटेंट। डाइजेशन बेटर होता है वो समझ में आ गया। और कोई हेल्थ बेनिफिट है? सर वो डाइजेशन बेटर होता है तो आपके ओवरऑल गट को इम्प्रूव करता है। नहीं, इसको समझाइए बात को। डाइजेशन बेटर होता है कि इसका डाइजेशन आसान होता है, ये दोनों बात बहुत अलग है। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि इसका डाइजेशन आसान है। इसका डाइजेशन आसान होता है। क्यों होता है? सर उसके अंदर में लैक्टोज की मात्रा और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है हर मिल्क का अलग अलग होता है। तो इसमें लैक्टोज कम है? कैमल मिल्क है वो आपके पास में, कैमल मिल्क के अंदर में लैक्टोज होता है, बट वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन में कन्वर्ट नहीं होता, जो कि एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है। तो मैं इसको पीऊंगा तो कुछ हादसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं। ठीक है, थोड़ा वक्त लगेगा इसको अडेप्ट करने में, मतलब अलग है। आप सिर्फ दूध क्यों पिला रहे हो? आप तो चॉकलेट भी लाए हो साथ में। Sure. तो चॉकलेट खिलाइए ना। Sure, sir. तो आपका मेन चीज क्या है, चॉकलेट या दूध? मिल्क पाउडर। Yes, जैसे अभी मैंने चॉकलेट खाई है तो ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्ट कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। सर शुगर और कोकोआ कोई भी चीज को ओवर पावर करता है, तो उसके अंदर में चॉकलेट में आपको डिफरेंस ऑफ टेस्ट बहुत एक्सट्रीम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ही नहीं लग रहा मेरे को, बिल्कुल फर्क नहीं। बट ये जो चॉकलेट्स है इसके अंदर में देयर आर ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स, बीन टू बार कोकोआ, ऑर्गेनिक अनरिफाइंड शुगर, कैमल मिल्क और वेनिला। टेस्ट में तो फर्क ही नहीं है ना? नहीं, टेस्ट में फर्क मुझे लगा फर्क है, लेकिन सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर। सप्लाई चेन के बारे में बताइए, तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रोक्योर करते हैं ये कैमल्स, गोट के आपके पार्टनर्स कौन हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मर्स के साथ में डील करते हैं। जब हमने फॉर द फर्स्ट टाइम पर लीटर बेसिस प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमने अपनाया,
तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स हमारे से डील करते हैं और हम उनको मतलब जैसे पेमेंट साइकिल की बात करें तो एवरी 15 डेज पे हम उनको पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर करते हैं, नो मिडिल मैन. अभी तक इसकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी वाली मैं नहीं कहूँगा कैमल्स की, क्योंकि अगर आप उनके सेंसस देखें लाइव स्टॉक का तो कैमल की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हुई है. Correct. लेकिन इट्स अ होप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई साइड में भी इंक्रीमेंट हो सकता है. एक कैमल पूरे साल में कितना प्रोडक्शन दे पाता है, पूरे साल दूध आता है या फिर इट्स साइक्लिक? नहीं सर, इनका लैक्टेशन पीरियड रहता है अराउंड 13 to 15 months. उसके बाद में सर उसमें थोड़ा गैप आता है लाइक अबाउट अगेन 9 to 12 months, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑन एन एवरेज दे गिव अबाउट 3 to 4 liters ऑफ मिल्क. ये आपकी चॉकलेट 300 रुपए की तीन है, छोटी छोटी, महंगी भी है बहुत. यस सर, ये एक्चुअली जो हमारे मिनी वर्जन है ये थोड़ा महंगा है. हमारे पास 70 ग्राम्स के बार भी हैं, दैट इज फॉर 250 रुपीज. वो कितना कंपेयर टू अदर नॉर्मल चॉकलेट कितना फर्क होता है? नॉर्मल चॉकलेट से तो सर 2 times एक्सपेंसिव है. महंगा भी. मैं खाता हूँ नॉर्मल अमूल या कैडबरी. सर तो ये चॉकलेट्स आपके लिए नहीं, ये महंगी है. पर रेगुलर जो प्रीमियम चॉकलेट्स आती है वो लगभग इसी रेट की आती है. यस सर. नॉर्मल एक गोट मिल्क और कैमल मिल्क का रेट क्या अपना पर लीटर? सर कैमल और गोट मिल्क का जैसे जो आप देख रहे हैं जो पाउडर है 200 ग्राम्स 1250 का पड़ता है, तो पर लीटर अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो समवेयर अराउंड 500 to 550 रुपीस पर लीटर. पर लीटर? हां ये महंगा आता भाई. इतना महंगा? यस सर. भाई लेकिन ये जो मिल्क पाउडर का आपका प्रोडक्ट है और आपने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी सेल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिल्क पाउडर इतना पॉपुलर नहीं है. जब आप वेस्ट में रहते हो तो हर ही दिन मिल्क पाउडर देखने को मिलता है. Sure. तो आपने क्यों बनाया है ये, इसकी खपत क्या है, इसके पीछे कुछ रहस्य है? जब हमने शुरू किया था ना सर, तो हम लोग बॉटल्स में मिल्क देते थे फ्रोजन फॉर्म में, ताकि उसकी लाइफ 1.5 महीने 2 महीने तक रहे और हम ओवर द जैसे मेट्रो सिटीज तक हम कवर कर सके. पर उसमें लॉजिस्टिक्स और कॉस्टिंग का चैलेंज बहुत था. बहुत. अभी ये जो आपके पास में पाउडर है ये लाइफोलाइजेशन यानी फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी से बना है. तो जिसमें क्या है कि ये जो ड्राइंग कॉस्ट है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसके मेडिसिनल वैल्यूज रहते हैं मिल्क के अंदर में वो पाउडर के अंदर में रिटेन्ड होते हैं. लेकिन ये जब पाउडर जब हमारे पास में आया तो सडनली हमारे जो मार्केट रीच है वो बहुत बढ़ गई. हम लोग जैसे ई कॉमर्स से अपनी वेबसाइट से ऑल अक्रॉस इंडिया आउटसाइड इंडिया हम केटर कर सकते हैं. तो आपकी सेल बताइए अब आप. 16-17 में हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, वी डिड 67 lakhs. 17-18 वी डिड अबाउट 4.4 crore. 18-19 4.2 crore अप्रॉक्स. वाओ, यही पहले बता देते सवाल ही खत्म. और 19-20 वी डिड 6 crore. 20-21 वी डिड 9 crore. वाओ, पूरी डेयरी बन रही है यहाँ पे. 21-22 वी डिड 7.2 crore. पिछले महीने कितना किया? On an average, we are doing अभी 50 lakhs per month. सेल गिरती जा रही है. 7.2 से 6 आ गए. कंपटीशन आ गया. जो आप डाउन देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल कोविड का रहा है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस का कंपोनेंट है उसमें एक्सपोर्ट्स का भी शेयर रहता है, तो वो एक्सपोर्ट्स जो ऑर्डर्स थे वो दैट सडनली ड्राइड अप. 50 लाख का सेल करी, आप पैसा कितना कमाए? लास्ट मंथ 50 लाख में हमने 3 lakh रुपए बचाए. हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट आता है वो वापस इसी में वापस डाल देते हैं. बूटस्ट्रैप ही अभी तक हम लोगों ने कहीं से फंडिंग नहीं ली है. वेरी गुड. जब हम 9 crore तक भी गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ 3 lakh रुपए की थी हम दोनों की मिलाकर. एक तो आप एक नया कैटेगरी क्रिएशन करने निकले हैं और नो दैट्स ब्रेव, और आपने ऑलरेडी 9 crore तक सेल्स बना दिए हैं, प्रॉफिटेबल है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट. मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो एक मिल्क ड्रिंकिंग पैटर्न है इसमें ब्रेक थ्रू करना और टैम को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा. सो स्केल में मुझे चैलेंज दिख रहा है एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट. देखो मेरे को लगता है यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब. 9 crore का बिजनेस एक नीश कैटेगरी में बनाना और बहुत डीप काम किया आपने सप्लाई चेन में. आज आपने अपना बिजनेस ठीक से समझा नहीं पाया. आई थिंक दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट, ये कोई मिल्क रिप्लेसमेंट नहीं है. और ऐसा लोगों को लग रहा है कि काउ मिल्क को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो जरूरत भी नहीं है. 9 crore का बिजनेस आपने बना लिया, जो काउ मिल्क बेच रहे हैं यहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं वो नहीं बना पा रहे.
एक्सपोर्ट्स पे मुझे लगता है काफी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए इस बिजनेस में. आपको 50-60-70% टाइम अपना वहीं लगाना चाहिए. आज मैं इससे बाहर हूँ पर आई थिंक आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो 50 लाख का आपका महीने का सेल है, इस 50 लाख में कितना B2B है और कितना डायरेक्ट टू कंज्यूमर है? राइट नाउ डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज मोर देन 75%. तो आपका रिपीट परसेंटेज क्या है? सर रिपीट परसेंटेज हमारा 30% के आसपास है. यार मैं ना थोड़ा सा ना मैं आउट, मैं थोड़ा सा ना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ. 300 रुपए की चॉकलेट अगर आप बोल रहे हो कि इजी है और डबल प्राइस पे दूध बिक रहा है तो मैं तो नहीं खरीदूंगा. मुझे तो कोई इसके जब तक बेनिफिट्स नहीं समझ आएंगे. और बेनिफिट समझाने के लिए कैटेगरी क्रिएशन का काम है. कैटेगरी क्रिएशन इजी नहीं है जब तक आपके पास बहुत पैसे ना हो. तो अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा इन रीजंस की वजह से. ये सब जो हेल्थ क्लेम्स है ना, ये बहुत क्वेश्चनेबल है. और मेरे उसूल ही इसके खिलाफ है कि क्वेश्चनेबल हेल्थ क्लेम्स में नहीं इन्वेस्ट करना. तो इस वजह से मैं आउट हूँ. मैं आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछूंगा. देखो मैं एक तो कैमल हमारे राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कैमल की पॉपुलेशन गिर रही. मेरे को है ना बिजनेस का इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया. जैसे राजस्थान के लिए कर दो भाई. अनुपम राजस्थान को मैं बहुत लाइक करता हूँ ऑब्वियसली, पर ये बिजनेस डिसीजन है. अच्छी बात है. या गुड पॉइंट. आप तो वैसे भी आउट हो तो मेरे को बात करने दो. तो मेरे को बिजनेस केस नहीं बन रहा अभी दिमाग में, बट आपका जो कॉज है कैमल बच रहे हैं मेरे को वो बहुत अच्छा लगा. तो मैं इसके अंदर फिर भी एक ऑफर देना चाहूँगा आपको. आपका 60 लाख का आस्क था एट 1.5%. मैं आपको देना चाहूंगा, सॉरी 60 लाख का ऑफर, 15 लाख इन इक्विटी, 45 लाख इन डेट एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर आपने जितना बोला था 1.5% इक्विटी. कैन वी मेक अ काउंटर? यस यस प्लीज. आप कहा कह के सर जो आपका स्प्लिट था 15-45, क्या आप उसको 30-30 करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा. मेरे को अभी लगता नहीं कि इसमें बिजनेस केस बन रहा है. मैं एक कॉज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपकी मदद भी कर सकता हूँ काफ़ी. तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफर पे स्टिक करना चाहूँगा. ले लो. Sure, sir. Thank you. All right, guys, good decision. Well done. Congratulations, sir. देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. Persistence आपकी बहुत strong है. चलिए congrats. Good luck, guys. All the best. Thank you. में अडल्ट फिल्में बैंड है, अडल्ट टॉयज बैंड है, रोमांस पे तो फिलहाल पाबंदी नहीं है. लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपने एनिवर्सरी इवनिंग को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हैं तो मल्टी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं. इसी गैप को फिल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया ये बेडरूम गिफ्ट्स, जो एंटरटेनिंग है, नॉटी है और मेड इन इंडिया है. माय नेम इज हर्षवर्धन खिमानी और मैं हूं वरुण टोडी. हम दोनों हैदराबाद से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ ओए हैप्पी. हम एक गिफ्टिंग कंपनी है जो केवल नॉटी गिफ्ट्स ही नहीं बल्कि कई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा. हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज हैं कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, पार्टी गेम्स, फोटो राखीज, इंटरैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत कुछ. तो अमन, अगर आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा शाहरुख खान पसंद है. नहीं, मेरे को शाहरुख खान ज्यादा पसंद है. तो और ही बेटर है. तो आप उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं. बहुत अच्छा.
Wow. Nice. पीयूष, अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड को टाइम मशीन में बचपन की शेयर कराना चाहते हैं तो ये 90s किट के जरिए कर सकते हैं। इसमें फैंटम सिगरेट्स, कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस छुपे हैं। वाओ। गिफ्टिंग में मजा तब आता है जब गिफ्ट थॉटफुल हो। हमारे गिफ्ट्स ohappy.com के अलावा Amazon और Thread जैसे marketplaces पे भी available हैं। हमारा विजन है कि हमारे ये गिफ्ट्स को हर सेलिब्रेशन और दुनिया के हर रिश्ते का हिस्सा बनाया जा सके और हर बेडरूम का हिस्सा भी। हम रीज करना चाहते हैं 50 लाख रुपए 1% एक्विटी के बदले में। वाओ। यार मैं तो बहुत अपसेट हूँ, मेरे लिए कोई गिफ्ट का आइडिया ही नहीं लाया। आपके लिए और है सर, बेडरूम वाले आपके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम दोनों कजिन्स हैं एंड परिवार के सारे अच्छे जीन्स मुझ में आए। ओहो, ये पुअर जोस के जीन्स भी इसी में आए हैं। थे दोनों तो मारवाड़ी फैमिली का लागो। बिल्कुल थप्पड़ मार के घर से निकाला नहीं तुमको? हमारे परिवार को अभी तक पता नहीं कि हम नॉटी गिफ्ट्स भी करते हैं। सिर्फ नेशनल टीवी पे आए आप बस। तो पापा सॉरी, ये हर्ष का आइडिया था। हमारे गिफ्टिंग कंपनी होने के नाते आप लोग के लिए भी गिफ्ट्स क्रिएट किए गए हैं। थोड़े कस्टम लाओ फटाफट। हमें गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अमन, ये गिफ्ट आपसे ज्यादा आपकी मॉम को पसंद आएगी। सो रिश्ते में तो हम तुम्हारे शौक लगते हैं, नाम है नमिता। वेरी क्यूट। ये तो नमिता रखने वाली है लाइफ लॉन्ग। The number one diet award goes to it as a mirror when Very which I could cute. See myself. Very cute. The nation celebrates with the Gupta family. Oh. And this is me and my mom. Oh, that's so sweet. 12/06. ये क्या है यार date? अच्छा और this is my anniversary. Oh. It has the pictures embedded in the date. Oh, it nice. Is, cute. ये इन्होंने इसलिए दिया कि I remember the date always. And this is a nice, fun board game. This is one of our naughty board games. Do a dance for your opponent while singing a song yourself. Bhai, ye sab kya bachchon ka khilwaad hai yaar? Hum honeymoon pe aate to ye sab nahi karte. Bhai, ek mere ko bahut trouble ho rahi hai aapke business ko lekar. Ji. Aap ye naughty businesses ki positioning leke aaye the shuru mein. Aur fir usme maa behan ki gifting wagera ki cheeze rakhenge. लोग मारेंगे आप। कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन कि व्हाट डज अ ब्रांड स्टैंड फॉर। पोजीशनिंग जो होती है, अगर आप नॉटी गिफ्ट्स ही करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू ऑल द अदर कैटेगरीज। इफ योर पोजीशनिंग इज जस्ट गिफ्टिंग देन यू कैन हैव अ नॉटी गिफ्ट सेक्शन। बिजनेस वाइज हम लोग कहीं से भी अपने आप को एक नॉटी गिफ्टिंग कंपनी नहीं बुलाते, हम एक गिफ्टिंग कंपनी। But that wasn't clear in your pitch. Okay. You started with naughty. Yes. हम चाहते थे शुरुआत इससे करें कि थोड़ा स्कैंडलस लगे, थोड़ा जाग जाएं हम। अनुपम जी काफी जाग चुके हैं आपके गिफ्ट को देखने के बाद। अरे 50 करोड़ की वैल्यूएशन, तो सेल्स तो बहुत ही बढ़िया होगी। बिल्कुल। क्या है? हमने पिछले साल 10.5 करोड़ रेवेन्यू पे क्लोज किया। What? जोरदार रेवेन्यू भाई साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और ये इसमें से नॉटी कितना था, नॉन नॉटी कितना था? नॉटी ने करीबन 15% कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू। ओनली 15%? दैट्स इट। ओके, वाओ। कितना प्रॉफिट था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 80% एंड हमारा ईबिटा 12%। 1.5 करोड़ रुपए आप घर ले गए, बहुत शानदार। लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? लास्ट मंथ हमने 80 लाख पे क्लोज किया। क्यों, वही रन रेट चल रहा है? नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक आता है। उसके दो रीजंस हैं। एक तो क्रिसमस एंड वैलेंटाइन्स डे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजंस फॉर अस। दूसरा एनिवर्सरीज, शादियां और कोर्टशिप पीरियड ज्यादा रहती है। पिछले साल आपके 10.5 करोड़ में फर्स्ट हाफ में कितना हुआ और सेकेंड हाफ में कितना हुआ?
तो फर्स्ट हाफ ने करीबन 35-40% कंट्रीब्यूट किया एंड बाकी हमारा सेकंड हाफ। तो फिर भी उसी पे आ गए हम। ये साल भी अगर 40-60 होता है तो वहीं आओगे आप 10.5-11-12 11-12 आ जाओगे आप। बस कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट आइडिया। नहीं हो सकता। कैसे बाकी पैसा कहाँ गया? तो 25% मार्केटिंग कॉस्ट में गया, 5% हमारा डिलीवरी कॉस्ट में जाता है, ठीक है, करीबन 15% टेक्नोलॉजी कॉस्ट में जाता है, अराउंड 15% हमारा सैलरीज में जाता है, 15-20%, क्योंकि हम लोग ने एक टीम में इन्वेस्ट किया है, तो हमारा एक 50 मेंबर का टीम है, 5% हमारा स्टॉक होल्डिंग में भी जाता है। अच्छा, राइट, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट में आप वैसे अकाउंट्स में अगर हम लोग जाते तो वो भी कम हो जाएगा 5%। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो कि नॉट 12% आपका 17-18% टाइप प्रॉफिट है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ बेचते हैं? सो अभी हम ohappy.com पे 85% का सेल करते हैं, 15% आ रहा है हमारे बाकी मार्केट प्लेसेस से जो मेजरली अभी Amazon और क्रेड है। वो 100% ऑनलाइन बिजनेस है। हाँ जी। कितने लोग रिपीट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? तकरीबन 15% का हमारा रिपीट रेट देखा है हमने। इसका क्या कारण है? So, इसका कारण यह है अमित कि पिछले साल तक प्रीटी मच हमारा मेन फोकस था एनिवर्सरी और बर्थडे गिफ्टिंग में। हम काफी रोमांटिक गिफ्ट्स और स्पेसिफिक काइंड ऑफ गिफ्ट्स में फोकस कर रहे थे। इस बार हमने उसको काफी डाइवर्सिफाई किया है बाकी ओकेजन में कैपिटलाइज करने के लिए। आप मेरे ख्याल से इनोवेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो अपना रेवेन्यू फिर भी ग्रो नहीं कर रहा, कोई और वजह है? रेवेन्यू ग्रो करने के लिए या तो हम मार्केटिंग लूप में, वो फंडिंग लूप में चले जाए कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड करें, हमारा रोवास कम होते रहे, तो उससे क्या है कि रेवेन्यू भले ही ग्रो हो सकता है पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होते रहेगी और हम प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रोथ को सस्टेन और बैलेंस नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया जी, इसीलिए मैं बार बार रिपीट पर अटक जाता हूँ, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना जी, ये रिपीट पे चलेगी। तो आपका जो रियल जो इशू लगता है, जो मेरा एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है, वो है कि आप उसको रिपीट नहीं करा रहे। सो रिपीटेबिलिटी, आपने सही कहा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, ताकि हम मार्केटिंग में डिपेंडेंस ना हो और हम काफी कुछ कर रहे हैं उस 15% को 20-25% तक लाके लेके आने में। आपने धंधा अच्छा बनाया है और प्रॉफिटेबल चलता रहेगा जी, और कितना बड़ा हो पाएगा वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में कभी कोई देखा ही नहीं इससे ज्यादा आगे जाते हुए। इसके स्केल इशू की वजह से मैं आज आउट होना चाहूंगा। Thank you for your feedback. एक अच्छी चीज आप ये कर रहे हैं कि आप इसको institutionalize करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। एक टीम बना के continuous innovation, बिल्कुल, is the biggest challenge in this business. Right. बिल्कुल। तो वो speed and number of innovations को आपको master करना पड़ेगा कि साल में मेरे को 1000 innovation करने हैं, institutionalize करना है, क्योंकि अभी इसमें growth नहीं हो रहा है business में और मुझे नहीं लगता मैं इसमें कैसे value add करूंगा, मैं आज बाहर हूँ। But gifting is a big area. But बिल्कुल. You know, I would like you guys to succeed. I think एक scale थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, because creativity में एक limit आ जाएगा, even if बहुत designers है, and time भी मुझे छोटा लग रहा है, to be honest. And for all these reasons, I'm out. Okay. Thank you, Namita ji. यहाँ पे सबसे बड़ा problem है brand loyalty. कोई ये नहीं कहता है कि मैं जाके गिफ्ट करूंगा ओए हैप्पी से, वो ये कहता है मुझे एक अच्छा गिफ्ट चाहिए किसको देने के लिए, एंड देन दे हैपन टू कम टू ओए हैप्पी। तो उसमें आप हमेशा ट्रांजैक्शनल नेचर में फंसे रहो। आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहिए, वहां जाके आप फंस जाएंगे। तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको आज सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। गुड लक, एंड आई होप यू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस। We will rise beyond this, Anupam ji. Thank you for your feedback. मेरी जो वाइफ है ना, वो तो मेरे को अगर मैं उसको एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे फ्लावर्स नहीं दूं, तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है, you know? कई कैटेगरीज में ना, जैसे इसमें मैं एक बार दूंगा ना, मैं फिर से नहीं दूंगा। But flowers are something which they want like every occasion. मेरे को जो लगता है ना, उसमें एक तो रिपीट इशू है और कैक्स आपके हमेशा हाई रहेंगे, बिकॉज रिपीट नहीं होगा। सो आई एम आउट, बट योर बिजनेस इज अमेजिंग। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड योर टाइम। आपको एक बात कहता हूँ, आपके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे यार। आपके सब डब्बे पे अपना यूआरएल तो लिखो, प्रमोट शेमलेसली, राइट? ओए हैप्पी.com है।
हाँ जी बिल्कुल, लिखिए आप अपने प्रोडक्ट्स पे ohappy.com. You'll get at least 10-20% more sales with no cost of acquisition. बिल्कुल बिल्कुल, thank you so all much. The best. All the best. Right. Thank you, Sharks. Lovely talking to all of you. We'll see you again. Thank you. Take care. Bye. Bye. Bye.